हमारा यूनिवर्स तो किसी भूतिया शहर की तरह सुनसान पड़ा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम यह मानते हैं कि जीवन इस यूनिवर्स में एक आम सी चीज है, अगर हम इस धरती पर हैं और इस ब्रह्मांड में हमारे जैसी अनेकों इंटेलिजेंट एलियन सिविलाइजेशंस मौजूद हैं, तो फिर यूनिवर्स को रेडियो सिग्नल से भर जाना चाहिए था, क्योंकि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करती जैसे हम धरती पर रहते हुए करते हैं। तो फिर कहाँ है सब? बात है सन 1950 की, जब एनरिको फर्मी न्यू मैक्सिको के लॉस एलमोस में दोपहर को एडवर्ड टेलर और अन्य वैज्ञानिकों के साथ बैठे हुए लंच कर रहे थे। जब बात घूमी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ और स्पेस ट्रेवल की ओर, तो एनरिको फर्मी ने पूछा, वेयर द हेल आर दे, मतलब वो कहाँ हैं? अगर हैं तो फिर मिल क्यों नहीं रहे? क्या कोई ऐसी ताकत है जो इन सिविलाइजेशंस को चुप रहने पर मजबूर कर रही है? अगर ऐसा कुछ है तो हमें खुद उनके सबूत ढूंढने होंगे, ऐसे सबूत जो हमें पक्के तौर पर किसी एलियन सिविलाइजेशन होने के निशान दिखा सकें। अगर हम ज्यादा दूर ना जाएं और मार्स को ही देख लें, तो एविडेंस ये बताते हैं कि मंगल ग्रह भी कभी धरती के जैसा ही हुआ करता था। वहां पर धरती जैसा बायोस्फीयर और बायोलॉजी भी थी। मंगल ग्रह पर इतिहास में पानी होने के सबूत भी सामने आ चुके हैं। बस इंतजार है तो बस वहां पर किसी तरह की एलियन लाइफ खोजे जाने का। अब यहां से दौर शुरू होता है कुछ ऐसी थ्योरीज का जो मंगल ग्रह पर एलियन लाइफ होने की आशंका को और मजबूत कर देती हैं। माना जाता है कि मार्स पहले बर्फ से ढका हुआ था, फिर एक एस्टेरॉयड आया और उस टक्कर ने मार्स की किस्मत ही बदल दी। उस टक्कर से मार्स पर जमी सारी बर्फ पिघल गई और वहां पर नदियां बहने लगी। वहां पर भी जीवन की शुरुआत हुई और एवोल्यूशन आया। लेकिन आज के समय में जिस मंगल ग्रह को हम जानते हैं, वो एक सूखा और बंजर हो चुका एक बेजान ग्रह बन चुका है। मंगल ग्रह पर भेजे गए मिशन्स ने जो डेटा भेजा, उनके आधार पर वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि मंगल ग्रह के गेल क्रेटर में कभी पानी भरा हुआ करता था। पानी जिसे हम लाइफ के एक बेसिक एलिमेंट के रूप में देखते हैं, और किसी भी तरह की लाइफ फॉर्म के लिए पानी महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन अगर हम किसी इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म को ढूंढने की बात कर रहे हैं, तो पानी शायद इसमें हमारी हेल्प नहीं कर सकता। सिर्फ पानी के ट्रेसेस मिलने से हम यह नहीं पता लगा सकते कि वहां पर रहने वाले लोग कितने इंटेलिजेंट हैं। इसके लिए हमें कुछ और देखना होगा, जैसे कि इंडस्ट्रियल वेस्ट, कोई रेडियो सिग्नल या फिर एटॉमिक बाई प्रोडक्ट। जॉर्ज ब्रेंडनबर्ग नासा के फॉर्मर फिजिसिस्ट और क्लिमेंटाइन मून मिशन के डिप्टी मैनेजर रह चुके ब्रेंडनबर्ग ने मार्स को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। ये जानकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। तकरीबन 300 मिलियन साल पहले मार्स पर हमला हुआ था। दरअसल मार्स पर नहीं, मार्स के लोगों पर। सबूत ये बताते हैं कि एक इंटेलिजेंट एलियन रेस ने मार्स पर न्यूक्लियर अटैक किया था, क्योंकि मार्स क्यूरियोसिटी रोवर के डेटा को खंगालते हुए ब्रेंडनबर्ग को मार्स पर भारी तादाद में ज़ीनॉन 129 के ट्रेसेस मिले हैं। ज़ीनॉन एक नोबेल गैस है जो किसी के साथ जल्दी रिएक्ट नहीं करती, और ज़ीनॉन 129 उसी गैस का एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, और साथ ही ज़ीनॉन 129 किसी न्यूक्लियर वेपन एक्सप्लोजन के दौरान निकलने वाला एक बाई प्रोडक्ट होता है। ऐसी कोई नेचुरल प्रोसेस नहीं है जो ज़ीनॉन 129 को क्रिएट कर सके, स्पेशली मार्स पर तो बिल्कुल भी नहीं। तो एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का बाई प्रोडक्ट हमसे अरबों किलोमीटर दूर वहां मंगल ग्रह पर क्या कर रहा था? आखिर वहां पर ऐसा क्या हुआ था जिससे इस रेडियोएक्टिव एलिमेंट का लेवल वहां पर इतना ज्यादा बढ़ गया? इस पहेली ने सबको परेशान करके रख दिया। लेकिन जब ब्रेंडनबर्ग ने इसकी एक्सप्लेनेशन सबके सामने रखी, तो सबके होश उड़ गए। पहले तो ब्रेंडनबर्ग ने भी यही सोचा था कि ये किसी नेचुरल प्रोसेस की वजह से हो सकता है, जैसे कि कॉस्मिक रेज। लेकिन बाद में उन्होंने इशारा किया एक खतरनाक गैलेक्टिक न्यूक्लियर वॉर की ओर। जब धरती पर कहीं भी एटॉमिक एक्सप्लोजन होता है, तो हमें वहां पर ज़ीनॉन 129 के ट्रेसेस भारी मात्रा में देखने को मिलते हैं। लेकिन मंगल ग्रह पर जो रेडियोएक्टिव ज़ीनॉन हमें मिला, उसका लेवल हमारी पृथ्वी के मुकाबले 2.5 गुना ज्यादा था। यहां से एक बात तो साफ है कि अगर वहां पर कोई एटॉमिक एक्सप्लोजन हुआ भी होगा, तो वह काफी बड़ा और भयंकर रहा होगा। इतना भयंकर जितना हमारी मानव जाति ने आज तक नहीं देखा। मार्स पर ऐसी दो जगहें मिली हैं जहां रेडियोएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, मतलब मार्स के उत्तरी गोलार्ध में दो ऐसे हॉटस्पॉट हैं
जहां पर रेडिएशन लेवल्स दूसरी जगहों के मुकाबले काफी ज्यादा हैं। उनके अनुसार मार्स पर दो सभ्यताएं थीं, जिन्हें वो सिडोनियन और यूटोपियन कहते हैं। वो सभ्यताएं ज्यादा विकसित नहीं थीं। माना जाता है कि उस समय मार्स पर सिडोनियन और यूटोपियन दोनों सभ्यताएं धरती पर मिश्र में मौजूद रही ब्रॉन्ज एज की सभ्यता जितनी विकसित हो पाई थीं। वो बड़े बड़े स्कल्पचर बनाते थे, जैसे बड़े बड़े चेहरे और पिरामिड्स आदि। इन दोनों में से सिडोनियन सभ्यता पहले ही फेस ऑन मार्स के लिए जानी जाती है। जैसे धरती पर मौजूद पिरामिड्स और बड़े बड़े स्कल्पचर समय के साथ खराब होते जा रहे हैं, ठीक वैसे ही मार्स के ये स्कल्पचर पूरी तरह से इरोड हो चुके हैं। ब्रेंडनबर्ग का कहना है कि किसी इंटरगैलेक्टिक इंटेलिजेंट रेस ने उन सभ्यताओं पर परमाणु हमला करके उन्हें खत्म कर दिया, उनके सारे स्कल्पचर नष्ट कर दिए और उनकी मौजूदगी के सारे सबूत पूरी तरह से मिटा दिए। अब ये हमला क्यों हुआ था, ये सवाल शायद आपके मन में आ सकता है, जबकि वो एलियंस मार्स पर रहे ही नहीं। तो इसका जवाब ये हो सकता है कि उनकी निगाहें मार्स पर मौजूद संसाधनों पर थीं, न कि मार्स पर बसने के लिए। उन्होंने मार्स को माइन किया और चलते बने, शायद इसलिए मार्स की सतह पर आयरन ऑक्साइड बिखरी पड़ी है। मार्स पर मौजूद ज़ीनॉन 129 को लेकर कुछ और थ्योरीज भी दी गई हैं, जो मार्स पर एलियंस के हमले से जरा हटके हैं। ये भी हो सकता है कि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट मार्स पर किसी एस्टेरॉयड द्वारा लाए गए होंगे, लेकिन यहाँ पर यह एक्सप्लेनेशन इतनी काम नहीं आ रही। ब्रेंडनबर्ग का कहना है कि अगर ज़ीनॉन 129 किसी एस्टेरॉयड से मार्स पर आई होती, तो उस एस्टेरॉयड या मेटेरॉयड के टकराने से मार्स पर एक बड़ा क्रेटर बनता, लेकिन ऐसा कोई क्रेटर मार्स पर मौजूद नहीं है, स्पेशली साइडोनिया और यूटोपिया के पास। इसके तर्क में ब्रेंडनबर्ग यह मानते हैं कि अगर कोई क्रेटर नहीं है, तो इसका मतलब है कि एटॉमिक एक्सप्लोजन जमीन से ऊपर हुआ होगा, जैसे हिरोशिमा और नागासाकी में हुआ था। वहां कोई बड़ा क्रेटर नहीं बना, लेकिन तबाही का मंजर हद से ज्यादा भयानक था। ब्रेंडनबर्ग मानते हैं कि मार्स पर ठीक ऐसा ही हुआ होगा, वहां कोई क्रेटर नहीं बना, लेकिन तबाही का कारण जरूर एटॉमिक एक्सप्लोजन ही रहा होगा। उन्होंने मार्स का पूरा बायोस्फीयर ही डिस्ट्रॉय कर दिया, जो आज तक रिकवर नहीं हो पाया। नेचुरल न्यूक्लियर रिएक्टर से भी ज़ीनॉन 129 रिलीज हो सकती है, जैसे अरबों साल पहले धरती पर हुई थी। एक प्लेनेट नेचुरल तरीके से एक न्यूक्लियर रिएक्टर में तब्दील हो सकता है, लेकिन इसके लिए सही कंडीशंस का होना भी जरूरी है। वहीं ब्रेंडनबर्ग मानते हैं कि मार्स नेचुरल न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं बना होगा। वहीं कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि मंगल ग्रह पर ज़ीनॉन 129 होने के पीछे का मुख्य कारण आयोडीन हो सकता है। आयोडीन 129 डिके होकर ज़ीनॉन 129 में बदल जाता है। अब मंगल ग्रह पर आयोडीन का ये रेडियोएक्टिव फॉर्म पहले से मौजूद था या एस्टेरॉयड द्वारा मंगल पर आया, इसका जवाब दे पाना फिलहाल काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अनुमान यह है कि मंगल ग्रह पर मौजूद आयोडीन पूरी तरह से डिके हो चुका है और वो ज़ीनॉन 129 इसी का नतीजा है। लेकिन ये थ्योरी इस बात को साबित नहीं कर पाती कि मंगल ग्रह पर सिर्फ दो जगहों पर ही ये रेडिएशन इतना ज्यादा क्यों है, ये दो हॉटस्पॉट्स पर ही इतना कंसंट्रेटेड क्यों है। बात सुनने में अटपटी जरूर लग सकती है, लेकिन अगर बात चल ही रही है तो इस पर भी गौर कर सकते हैं कि क्या वो एलियंस कहीं हमारे पूर्वज तो नहीं थे, या फिर वो कहीं सुमेरियन सभ्यता के गॉड अनुनाकी तो नहीं थे। मार्स पर कभी जीवन था या वहां कभी एलियंस थे, इस टॉपिक पर बहस तो बहुत लंबी चलने वाली है। फिलहाल अगर आप मार्स पर एलियंस को लेकर कुछ एंशियंट थ्योरीज के बारे में जानना चाहते हैं, अनुनाकी के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप साईफाई दुनिया चैनल की ये वीडियो जरूर देखें। खैर, आपकी राय क्या है मार्स पर ज़ीनॉन 129 रेडियो एक्टिव एलिमेंट को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या आप भी ब्रेंडनबर्ग की एलियन एटॉमिक एक्सप्लोजन वाली थ्योरी पर बिलीव करते हैं? शायद ये थ्योरी यह कहने की कोशिश करती है कि इस यूनिवर्स में सिर्फ इंसान ही क्रूर नहीं है, शायद कोई और भी है। ये प्रश्न ऐसा है जिसका उत्तर हम शायद जानना भी ना चाहें। खैर, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करें। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी। नमस्कार।